नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2023 में सुपर रविवार जो है यानी कि सुपर संडे की अगर हम बात करें तो वहां पर खेले जाएंगे दो बड़े मुकाबले और ये दोनों मुकाबले आखिरी लीग स्टेज मुकाबले आईपीएल 2023 के। इसके बाद शुरू हो जाएगा प्लेऑफ का सफर। हमें चार टीमें मिल जाएंगी रविवार के दिन जो कि खेलेंगी प्लेऑफ में। अब गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स तो क्वालिफाई कर चुकी हैं, वहीं अब बाकी देखना होगा कि वो कौन सी टीमें होंगी जो क्वालिफाई करती हुई नजर आएंगी। इस वीडियो में फैंटेसी 11 टीम बनाएंगे रविवार को जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा यानी कि शाम 7:30 बजे बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी बनाम जीटी यानी कि बेंगलोर बनाम गुजरात के बीच। एक तरफ होंगे फाफ डुप्लेसी, दूसरी तरफ होंगे हार्दिक पांड्या। फैंटेसी 11 टीम भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर उससे जो पिछला मुकाबला खेला जाएगा मुंबई और हैदराबाद के बीच, ये मुकाबला होगा रविवार शाम 3:30 बजे, उसकी फैंटेसी 11 टीम देखना चाहते हैं, बेस्ट फैंटेसी 11 टीम बनाई है, आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अगर इस मुकाबले की बात करें तो यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अगर जीत जाएगी तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो वो पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी है, पहले नंबर पर मौजूद है पॉइंट टेबल में। अब फैंटेसी 11 टीम बनाने से पहले एक नजर डालेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले अगर बात करें होम टीम बेंगलोर की तो फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली दोनों ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, ओपनिंग करते हैं और अच्छे खासे रन्स जोड़ देते हैं शुरुआत में। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, अनुज रावत, सुयश प्रभुदेसाई, वनिंदु हसरंगा, वेन पार्नेल, हर्षल पटेल, कर्ण शर्मा और मोहम्मद सिराज। हालांकि वनिंदु हसरंगा इंजर्ड थे, हो सकता है कि इस मुकाबले में वापसी कर ले, नहीं तो उनकी जगह शायद आपको शाहबाज अहमद खेलते हुए नजर आ सकते हैं। गुजरात टाइटंस की बात करें तो शुभमन गिल और यहां पर केएस भरत, शायद यहां पर रिद्धिमान साहा की जगह केएस भरत को चांस दे दिया जाए। उसके बाद हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, दासुन शनका, राहुल तेवतिया, ओडियन स्मिथ को यहां पर चांस दिया जा सकता है, राशिद खान, मोहम्मद शमी और शिवम मावी को भी इस आईपीएल मुकाबले के लिए चांस दिया जा सकता है। अब अगर बात करें फैंटेसी 11 टीम की तो विकेट कीपर्स में अनुज रावत आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं बल्लेबाजों की बात करें तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी। अब साई सुदर्शन खेलेंगे तो उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं, अगर नहीं खेलेंगे तो टॉस के बाद प्लेइंग 11 पर नजरें जरूर बनाए रखिएगा। ऑलराउंडर्स की बात करें तो माइकल ब्रेसवेल या फिर हसरंगा, दोनों में से जो खेलेगा उसे आप चूज कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या, ग्लेन मैक्सवेल, ये ऑप्शंस आपके पास ऑलराउंडर्स में और हैं। गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी, राशिद खान और मोहम्मद सिराज, ये गेंदबाजी के अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास। कप्तान बनाया है शुभमन गिल को, उप कप्तान बनाया है ग्लेन मैक्सवेल को। तो ये है फैंटेसी 11 टीम और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, सूझबूझ से खेलिए, जिम्मेदारी से खेलिए और टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 अनाउंस हो जाती है तो उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे होंगे उन्हें बाहर कर दीजिएगा और जो खेल रहे होंगे उन्हें ही अपनी टीम में सिलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए आप किसे कप्तान बनाएंगे, किसे उपकप्तान बनाएंगे और कैसी होगी आपकी फैंटेसी 11 टीम। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।